चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। लेकिन अगर हमारे जैसी कोई लड़की जो गरीब परिवार से निकल करके जाती है और उसको विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिलता है और वो जीतती है, तो उस स्थिति में न जाने कितनी लाखों गरीब लड़कियों का हौसला बनता है, वो कोशिश करती है कि नहीं मैं भी आ सकती। एक नाबालिग दलित परिवार की बेटी के साथ बलात्कार हुआ और आधी रात में उसको पेट्रोल डाल करके जला दिया गया, क्या वो हिंदू नहीं थी? कितने किसान भाइयों पर मंत्री के बेटे ने थार चढ़ा दी, वो क्या हिंदू नहीं थे? उन्नाव की बेटी हिंदू नहीं थी? वो जो व्यापारी मारा गया कानपुर में, वो हिंदू नहीं था? एक तरफ वो लोग हैं जो नफरत की राजनीति करते हैं, विभाजन की राजनीति करते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं समाजवादी पार्टी के, वो लोग समाजवादी विचारधारा के, वो लोग जो लोहिया की बात करते हैं, गांधी जी की बात करते हैं, अम्बेडकर की बात करते हैं और जोड़ने की बात करते हैं। सीसीए चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे साथ अभी पूजा शुक्ला जी हैं जो यूपी की सबसे नौजवान सबसे यंगेस्ट इस बार उम्मीदवार हैं सपा से, यहाँ लखनऊ नॉर्थ में चुनाव लड़ रही हैं। पूजा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूजा जी अभी तक कैसा रिस्पांस मिल रहा है और ख़ास कर कि मतलब बोला जाता है अक्सर कि नौजवानों की युवतियों की बहुत कमी है हमारे राजनीति में, एज द यंगेस्ट कैंडिडेट कैसा रिस्पॉन्स? अब बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और पहली बार मैं ये देख रही हूँ कि लोग अपने से बुला रहे हैं और लोकल लोग जो खुद अपनी समस्याओं को आपसे बताना चाह रहे हैं, क्योंकि हुआ क्या है पिछले 4 साल में मन की बात तो बहुत हुई लेकिन जन की बात नहीं हुई। जब ये बेटी उनके बीच में जा रही है तो जन की बात कर रही, जनता से संवाद कर रही, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। आपकी एक छवि भी रही है, आप एक एक्टिविस्ट भी रही हैं, मतलब जेल भी जा चुके हैं योगी जी की कारवां रोकने के लिए, तो अभी और एक एक्टिविस्ट की छवि रही है आपकी, इस तरह की एक्टिविस्ट छवि वाले लोग कम ही राजनीति में आ पाते हैं, क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं आप? देखिए ये तो अखिलेश यादव जी की नई सोच है जिन्होंने बदलाव के लिए मुझे यहाँ पर टिकट दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जो मनी मसल पावर की पॉलिटिक्स बोली जाती है, उस पॉलिटिक्स में इतनी बड़ी जगह पर अखिलेश यादव जी ने एक गरीब परिवार की बेटी को मौका दिया, ये समाजवादी पार्टी में ही संभव है और किसी पार्टी में नहीं संभव है। और मुझे लगता है कि ये जो मुझ पर मेरी क्षमताओं पर भरोसा किया, कहीं ना कहीं ये मेरे संघर्ष का नतीजा है, क्योंकि मैंने निरंतर लोगों के लिए संघर्ष किया, काम किया, तो उसकी वजह से मुझे मौका मिला। और अखिलेश यादव जी को मैं फिर पुनः धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये मुझे टिकट देके बदलाव का एक बड़ा संकेत दिया है। जहां एक तरफ लोग नौजवानों की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधित्व की बात कोई नहीं करता है, तो अखिलेश यादव जी ने नौजवानों की भी बात की, महिलाओं की भी बात की और उनके सदन में प्रतिनिधित्व की भी बात की। और समाजवादी पार्टी ने तमाम यंगेस्ट कैंडिडेट दिए हैं और मुझे भी दिया, हाँ ये बात सही है कि मैं यूपी की सबसे यंग कैंडिडेट हूँ। आप कह रहे हैं महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात करें, लेकिन इस बार भी अगर हम देखें, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भाजपा हो, मैं मुख्य रूप से क्योंकि सब मान चुके हैं कि यही दो पोल हैं इस बार चुनाव में, महिलाएं उम्मीदवार अभी भी आप उंगलियों पर गिन सकते हैं और ये लगभग हम वहीं फंसे हुए हैं जहाँ पर महिला उम्मीदवार की नेतृत्व की बात है, तो कैसे बदलाव आएगा? देखिए मैं आपको बताती हूँ, जो अमूमन महिलाएं हैं जो आम परिवार से आती हैं उनके लिए राजनीति में आना बहुत कठिन होता है, लेकिन अगर हमारे जैसी कोई लड़की जो गरीब परिवार से निकल करके जाती है और उसको विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिलता है और वो जीतती है, तो उस स्थिति में न जाने कितनी लाखों गरीब लड़कियों का हौसला बनता है, वो कोशिश करती हैं कि नहीं मैं भी आ सकती। तो मुझे सोसाइटी में, मुझे लगता है अगर सोसाइटी में जब तक हम ऐसे एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे, हम चेंज नहीं कर सकते। किसी को तो आगे आकर के इस मुहिम का हिस्सा बनना पड़ेगा, किसी को नेतृत्व देना पड़ेगा। और अगर अखिलेश यादव जी ने मुझे मौका दिया है तो आप यकीन मानिए, अगर आज मुझे मौका मिला है, मैं चुनाव जीतती हूँ, मैं काम करूँगी। मैं ये भरोसे के साथ कह सकती हूँ कि लाखों लड़कियों को जो राजनीति में आने से डरती हैं, उनको ये लगेगा नहीं, अगर पूजा शुक्ला विधायक बन सकती है तो हम भी बन सकते हैं। तो ये जो अलख जगाने की ज़रूरत है और इसी मुहिम पर हम लोग काम कर रहे हैं, और इस समाजवादी पार्टी ने जो नया एक चेंज किया है, ये अपने आप में बहुत सराहनीय है और अनएक्सपेक्टेड था लोगों के लिए। जब मुझे टिकट मिला बहुत अनएक्सपेक्टेड था लोगों के लिए, क्योंकि मैंने काम किया, लेकिन लोग वही है कि राजनीति का एक सिनेरियो सेट हो गया है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले लोग, बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग, गरीबों की सिर्फ बात करने वाले लोग, लेकिन उस गरीबी का एहसास ना करने वाले लोग ही गरीबों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन पहली बार उनके बीच से निकले हुए व्यक्ति को मौका मिला, ये बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही, मतलब मैं कह सकती हूँ कि मैं बहुत उत्साहित भी हूँ, लोगों के बीच में जा रही हूँ, मुझे मौका मिला है, मैं पूरी ऊर्जा और के साथ काम कर रही हूँ। आप एक प्रेरणा उम्मीद कर रहे हैं आप बनेंगी महिलाओं के लिए जो आगे भी राजनीति में आएंगी, मुझे बताइए इस बार मुख्य रूप से
क्या मुद्दे लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो फिर से वही 80 बनाम 20 की बातें शुरू हो चुकी हैं, आप क्या मुद्दे लेकर लोगों के बीच जा रही हैं? देखिए, ये जिस भी तरह की लड़ाई है, मैं इसका पार्ट नहीं हूँ। समाजवादी पार्टी हर समुदाय हर वर्ग की बात करती है, शोषित वंचित पीड़ित वो किसी भी समुदाय का हो, समाजवादी पार्टी उसके साथ है। और मैं हम भी हमेशा ही मानते हैं कि लगातार जो एक माहौल बनाया जा रहा है, जिन लोगों ने हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीता उनकी स्ट्रैटेजी ही वही रहेगी, उन्होंने कभी काम नहीं किया। हमने 12 से 17 की सरकार में बहुत काम किया, अखिलेश यादव जी ने बहुत काम किया महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, हर मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, गरीबों के लिए। लेकिन 17 में जब चुनाव आया तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स की, लेकिन 22 में स्थिति बहुत बदल चुकी है। लोग बहुत क्लियरली जान चुके हैं कि इनको काम नहीं करना, इनको रोजगार नहीं देना, इनको सुरक्षा नहीं देनी। और ये जिस एजेंडे पर बात कर रहे हैं, ये जिन हिंदुओं की बात कर रहे हैं, ये उनके साथ भी नहीं खड़े हैं। और मैं इसका एग्जाम्पल दे सकती हूँ, आप मुझे बताइए, ये रामराज्य की बात करते हैं लेकिन एक नाबालिग दलित परिवार की बेटी के साथ बलात्कार हुआ और आधी रात में उसको पेट्रोल डाल करके जला दिया गया, क्या वो हिंदू नहीं थी? कितने किसान भाइयों पर मंत्री के बेटे ने थार चढ़ा दी, वो क्या हिंदू नहीं थे? उन्नाव की बेटी हिंदू नहीं थी? वो जो व्यापारी मारा गया कानपुर में, वो हिंदू नहीं था? ये लोग हर उस व्यक्ति के खिलाफ हैं जो अवेयर है, सवाल करता है। इनको हिंदू मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदे के लिए करना होता है। और मैं ही आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग भी लड़ रहे हैं चुनाव, वो अपने साम्राज्य को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो भी कैंडिडेट हैं वो जनसेवा के लिए लड़ रहे हैं। और हमने साबित किया है कोरोना में, जब विपत्ति काल में भारतीय जनता पार्टी के लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे थे, उस समय जो हमारी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता थे, वो जनता के बीच में जाकर के, सड़कों पर जाकर के उनकी मदद कर रहे थे। क्लियर बहुत विचारधारा की लड़ाई है, एजेंडा साफ है। एक तरफ वो लोग हैं जो नफरत की राजनीति करते हैं, विभाजन की राजनीति करते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं समाजवादी पार्टी के, वो लोग समाजवादी विचारधारा के, वो लोग जो लोहिया की बात करते हैं, गांधी जी की बात करते हैं, अम्बेडकर की बात करते हैं और जोड़ने की बात करते हैं। मैं एक आखिरी सवाल, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस देश के सबसे ख़राब में से एक हैं, सच्चाई ये है कि अभी भी जैसे कोरोना काल में देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त बेरोज़गारी फैली है। इसको अक्नॉलेज नहीं कर रही है यूपी की सरकार, लेकिन सबको पता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ बेरोज़गारी फैली है। साथ ही में और ये सच है कि पिछली सरकार में भी, आप लोगों की सरकार में भी, पब्लिक स्कूलिंग, पब्लिक एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ की स्थिति कोई बहुत ख़ास नहीं थी, अब तो और भी कोलैप्स कर गई है। क्या इस पर आप लोगों की सटीक, अगर मुझे बताएं, क्या आपके जहन? देखिए, मुझे ये लगता है कि जब 12 में समाजवादी पार्टी को मौका मिला, मैं चूंकि मैं लखनऊ में रहती हूँ तो मैं लखनऊ की ज़्यादा बात फोकस करूँगी, लखनऊ के अंदर जितना भी डेवलपमेंट आपको दिख रहा है वो समाजवादी पार्टी की सरकार का है। हमारा प्रयास था कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमने कई अस्पताल बनाए। और देखिए, कोई भी चीज़ आप प्रोसेस में करते हैं तो 5 साल पर्याप्त नहीं होता, आप शुरू करते हैं काम, धीरे धीरे शुरू होता है। लेकिन 17 में हमें उन जिन चीज़ों का उद्घाटन करना था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनमें से योगी आदित्यनाथ जी ने कोई भी उद्घाटन नहीं किया। कोरोना का जब समय चल रहा था, हमने कहा कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ में बना हुआ है, वहाँ पर हम चाहते तो लोगों को कोरोना के समय इलाज दे सकते थे। सीतापुर में जिला अस्पताल बना हुआ है, यहाँ ना जाने कितने जिला अस्पताल बने हुए हैं, किसी को शुरू ही नहीं किया। जिनकी काम करने की मंशा ही नहीं है, जिनको पता है कि उनको काम के नाम पे वोट ही नहीं मिलना है, उनको पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करनी है, वो काम क्यों करेंगे? समाजवादी पार्टी को मौका मिला, उन्होंने काम किया। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि 22 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो आप देखिएगा कि स्थितियाँ बहुत अच्छी होंगी, बहुत बेहतर होंगी। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी की भाषा है, क्योंकि उन्होंने अभी बयान दिया कि मैं इन लोगों की गर्मी निकाल दूंगा, तो आप खुद सोचिए, एक तरफ अखिलेश यादव जी है, युवा नेतृत्व है, जो भर्ती निकालने की बात कर रहे हैं, जो लोगों को सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं, सम्मान देने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो गुंडों जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जहन का अंतर है, सोच का अंतर है, और सोच के अंतर के ही कारण मुझे लगता है 17 से 22 में हमारा उत्तर प्रदेश पीछे हुआ है। सोच के कारण उत्तर प्रदेश पीछे हुआ है, हम यही उम्मीद कर सकते हैं पूजा जी कि यही कुछ सोच बदलेगी और महिलाएं राजनीति में आएंगी, जिसकी बहुत पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में कमी है। CCA के साथ आप जुड़े रहें, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।